सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राज, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बढ़िया सा MIUI का ट्रिक है वो लेके आ चुका हूं। आज के ट्रिक में गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Poco या फिर Mi फोन के साथ 5G नेटवर्क आइकोन है उसको कैसे इनेबल कर पाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपने फोन के अंदर इसको पहले से ही इनेबल किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप चाहे तो आपके फोन के अंदर भी 5G आइकॉन को इनेबल कर सकते हैं रूट के बिना ही। यहां पर मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये सही में आपका नेटवर्क है उसको चेंज नहीं करता है, यानी कि 4G से 5G में आपका फोन कन्वर्ट नहीं होगा। बस यहां पर ये 4G से 5G आइकॉन है वही जो चेंज होता है। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस ट्रिक के लिए आपको रूट का यूज नहीं करना है, ना तो आपको बूट लोडर अनलॉक करना है, ना तो आपको यहां पर कोई भी ऐप है उसको डाउनलोड करना है। सिंपली आपको यहां पर थीम स्टोर पर क्लिक करना है, इसको ओपन करना है और यहां पर आपको एक थीम है उसको डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से आपको इस थीम का नाम देखने को मिल जाता है। अगर आपको थीम स्टोर पर नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, अच्छा सा थीम है, अगर आप चाहे तो फुल थीम को यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको सिर्फ आइकॉन को इनेबल करना है तो आपको यहाँ पर सिस्टम है उसी को सेलेक्ट रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम को हमने सेलेक्ट रखा है, उसके बाद यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 4G आइकॉन है वो 5G के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप आसानी से कोई भी Redmi Poco या फिर Mi फोन है उसके साथ 4G से 5G आइकॉन को इनेबल कर सकते हैं, फिर चाहे आपके पास MIUI 12 या फिर MIUI 12.5 इंस्टॉल है। तो इस तरीके से गाइस आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।